आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर में आपका स्वागत है। ये फटाफट जानते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी सुर्खियों को। अल कबीर पॉलिटेक्निक के 300 विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों में मिला लॉक। सत्र 2021-22 में जिंदल स्टील, विराज प्रोफाइल्स, LNT समेत कई कंपनियों ने किया कैंपस सिलेक्शन। झारखंड के कोर्ट में अब सिविल सूट, टाइटल सूट या फिर सेक्शन कोर्ट की फीस में केस लड़ना हुआ महंगा। अब किसी भी संपत्ति को लेकर होने वाले विवाद पर प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के अनुसार कोर्ट फीस जमा करना होता था, जो कि अधिकतम 30,000 रुपए तक होता था, लेकिन अब वो 3,00,000 रुपए कर दिया गया है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवां जिले के कोपाली क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी में डूबने से जमशेदपुर के ही एक टेलको ग्वाला बस्ती के रहने वाले 24 वर्षीय युवक सूरज कुमार की मौत हो गई है। घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है, जिसके शव को दोपहर 2 बजे बरामद किया गया। बताया जाता है कि टेलको ग्वाला बस्ती निवासी 24 वर्ष सूरज कुमार अपने दोस्तों के साथ रील बनाने के लिए नदी में उतरा था। गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर के सुनारी इलाके से मकान नंबर 27 की न्यू दलमा व्यू कॉलोनी 7 एक्सटेंशन रोड से 29 जून की रात को एक सिटी डॉन बाइक चोरी हो गई थी, जबकि अगले ही दिन 30 जून की रात को मकान संख्या 206 से एक बुलेरो कार चोरी हो गई। दोनों मामलों की जांच पुलिस कर रही थी। शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करके अलग अलग जगहों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उनके पास से चोरी की हुई बाइक और कार दोनों को बरामद कर लिया गया है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल के हथियारों को NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपियों को 12 जुलाई तक NIA की कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट के परिसर में ही भीड़ ने आरोपियों को खूब पीटा, यहां तक कि उनके कपड़े भी फाड़ डाले। फिर पुलिस ने आकर उन सबको बचाया। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने दोनों आरोपियों की फोटो BJP के बड़े लीडरान के साथ वायरल की है, जबकि BJP ने इसे सिरे से नकारा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद झारखंड में हो सकता है ऑपरेशन लोटस। मुख्यमंत्री की बढ़ रही है भाजपा से नजदीकियां, उठ रहे हैं सवाल। पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब झारखंड की बारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में बुरी तरह फंसे होने के कारण वो भाजपा के करीब जाने की जुगाड़ बढ़ाते दिख रहे हैं। अब क्या होगा आगे, ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।